नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह तोमर। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव मारवाड़ जंक्शन पहुंचे, जहां पर सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक केसाराम चौधरी, मंडल अध्यक्ष घनश्याम चौधरी ने अगवानी की। मारवाड़ जंक्शन से केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव सीधे राजकीय आवास भूमदड़ा के बीच सूर्य नगरी एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल व रेल दुर्घटना में घायल यात्री जो बांगड़ चिकित्सालय में भर्ती हैं वहां उनकी कुशल क्षेम जाकर पूछी। उसके बाद रेल दुर्घटना स्थल पर जाकर विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। इस दौरान पाली विधायक ज्ञानचंद पारक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, साथ ही GM DRM जोधपुर सहित कई मौजूद अधिकारी भी रहे और वहां पर करीब काफ़ी समय तक रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने अधिकारियों से विस्तृत रूप से चर्चा की, जानकारी ली। देखते रहिए आप तोमर क्राइम न्यूज। मैं अजय सिंह तोमर। आज सुबह 3:27 पे सूर्य नगरी एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ। बहुत ही दुखद घटना है। तुरंत ही जानकारी मिलते ही 5-7 के अंदर अंदर रेलवे का प्रशासन सबके सब काम पे लग गए, बहुत फोकस किया रेस्क्यू करने पे, किसी भी तरह से यात्रियों को जान बचाएं पे फोकस रहा। सुबह 4 से मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और यात्री सेफ हैं। जिन यात्रियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके गए थे, केवल एक के माइनर फ्रैक्चर है, बाकी सबके सब हॉस्पिटल से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। रेलवे ने कंपेंसेशन भी तुरंत ही दिया, जितना कंपेंसेशन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया गया। और मैं पास के निवासियों को, विशेषकर गोमादरा के निवासियों को, राजकीय आवास के निवासियों को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तुरंत आकर समय पे सबका ख्याल रखा, रेलवे की मदद की। मैं पाली जिले के प्रशासन को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एकदम ठीक समय पे एम्बुलेंस भेजना, बांगड़ अस्पताल में व्यवस्था करना, बिल्कुल सबने मिलजुल के यात्रियों की भी हुई थी। सर, इसको बढ़ाया जाएगा करने वाले उन्होंने जांच करके सब जगह ओके भी किया था, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था इस ट्रैक का कुछ ही दिन पहले। जब भी सर्दियां आती है उससे पहले पहले देश में जहां जहां सर्दी के कारण दिक्कत होती है वहां सब जगह अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पटरियों का, तो यहां पर भी पटरियों का अल्ट्रासाउंड हुआ था। मेरे ख्याल से कितनी तारीख को हुआ था डीआरएम? 24 दिसंबर को, रात को 2:30 24 दिसंबर को ही, और इससे पिछली रात को ही 2:30 पेट्रोलिंग भी हुई थी। ये बाहर से कुछ नहीं, इसका चिन्ह कोई निशान नहीं था, पटरी के अंदर की तरफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो टेक्निकल डिफेक्ट किस कारण से हुआ है और इस वाले लॉट की जितनी भी पटरियां हैं, मतलब जैसे स्टील की जब फैक्ट्री में, स्टील की मिल में जब पटरियां बनती है उसको हीट बोलते हैं, एक हीट में कितनी पटरियां बनी, मतलब जो लोहे को, जो स्टील को पिघला के पोर करते हैं सांचे में उसको हीट बोलते हैं, उस हीट में जितनी भी पटरियां बनी उसका आइडेंटिफिकेशन भी सुबह से हो गया है। देश भर में उस पर्टिकुलर लॉट में जितनी भी बनी पटरियां हैं, करीब करीब कितनी है चेयरमैन साहब? 1900 के आसपास किलोमीटर की, उसी लॉट की है 1900 किलोमीटर के आसपास की, उन सबको भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है ताकि उनका विशेष जांच हो और जितना हो सके, क्योंकि एक जगह प्रॉब्लम आई है इसलिए सब जगह उस प्रॉब्लम के उसी हीट से बनी हुई जितनी भी पटरियां हैं उन सब पटरियों को भी रिप्लेस करने की व्यवस्था मैंने सुबह ही आदेश दे दिए थे कि इस लॉट की जितनी भी बनी हुई पटरियां हैं देश भर में उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिप्लेस करने का काम भी करें, तुरंत जांच। कुल मिला के सर टेक्निकल फॉल्ट है, कुल मिला के टेक्निकल फॉल्ट पता चल रहा है, निर्माण हुआ उस समय इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट रह गया। जिन यात्रियों को पाली के बांगड़ अस्पताल में लेके गए थे, केवल एक के माइनर फ्रैक्चर है, बाकी सबके सब हॉस्पिटल से अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं। रेलवे ने कंपेंसेशन भी तुरंत ही दिया, जितना कंपेंसेशन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया गया। और मैं
पास के निवासियों को, विशेषकर बोमाधड़ा के निवासियों को, राजकीय आवास के निवासियों को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने तुरंत आकर समय पे सबका ख्याल रखा, रेलवे की मदद की। मैं पाली जिले के प्रशासन को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी एकदम ठीक समय पे एम्बुलेंस भेजना, बांगड़ अस्पताल में व्यवस्था करना, बिल्कुल सबने मिलजुल के यात्रियों की ऐसे सेवा की जैसे हमारे परिवार के हो। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा विचार है कि हमें सेवा भाव से हर काम करना है, उसी भावना के साथ काम किया है और बहुत जल्दी इस रूट को रिस्टोरेशन भी कर देंगे। कोशिश रहेगी कि इंक्वायरी कल कंप्लीट हो जाए। कमिश्नर रेल सेफ्टी की इंक्वायरी ऑर्डर की गई है तो सीआरएस अच्छा, वेरी फास्ट वर्किंग काम अच्छा किया। हम लोग पहुंच गए थे, टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 4 बजे से मैं सबके पीछे पड़ा हुआ था और सबके सब पहुंच गए थे। कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे थे सर, 4 बजे से सर के डायरेक्शन आ रहे थे। तो आज की सर नामित इज नॉट वेल, कोई बात नहीं, तो ही वाज ऑन फोन सर। धन्यवाद, बिल्कुल सर, कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ जी नमस्ते, आपको भी टेलीफोन। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बहुत बढ़िया, इतना अच्छा कोऑपरेट करा सर। नहीं टीम, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको इसी काम के लिए बाबा शाह की भूमि है, ये अपना कल्चर है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आई वो ये दिक्कत ये थी कि रेलवे की संपत्ति होने के बावजूद भी ट्रैक के आसपास केवल सड़कें नहीं है, जिसके कारण वाहन और एम्बुलेंस और पहुंचने में काफी दिक्कत है। ये विषय बहुत पहले भी आया है, रेलवे के आसपास केवल की सड़कें जनरली दुनिया में कहीं बनाने का रिवाज नहीं है, क्योंकि रेलवे का एक सिस्टम और है, इतना तेजी से एक्सीडेंट रिलीफ की जो मेडिकल वैन होती है वो वैन यहाँ पे तुरंत ही एक्सीडेंट के कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पहुंच गई थी। इस तरह से व्यवस्था होती है रेलवे में दुनिया भर में, केवल हिंदुस्तान में नहीं, देशभर में नहीं, दुनिया भर में ऐसी व्यवस्था होती है कि एक्सीडेंट हुई जो एम्बुलेंस होती है, समझो रेलवे एम्बुलेंस, तो रेलवे एम्बुलेंस जगह 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 स्टेशनों पर भेज दी जाती है, कहीं पर भी दिक्कत होती है तुरंत रेलवे एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ये रूट कब तक शुरू हो जाएगा? ये रूट बहुत जल्दी चालू करेंगे। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है, आपने देखा।